एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन के बारे में, प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व के बारे में, बायो इक्विवेलेंस के बारे में, ठीक है, और बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, बिकॉज हम फार्माकोकाइनेटिक्स का पढ़ रहे हैं, ए डी एम ई, ठीक है। तो ए हमने कर लिया था इज एब्जॉर्प्शन, सो नाउ वी कम टू डिस्ट्रीब्यूशन। These stands for distribution, ठीक है, and ME, M means metabolism, E means excretion, ठीक है। So अब हम पहुंचे हैं deeper, that is distribution of the drug. ड्रग जब हमारी systemic circulation में पहुंच गया तो वो कैसे distribute हुआ है हमारी body में, ठीक है। Distribution क्या है कि once a drug reaches the systemic circulation, यानी कि once जब हमारा drug जो है absorb हो गया, blood के अंदर चला गया, पहुंच गया, अब जब वो drug blood के अंदर है, ठीक है, उसको different different organs, different different tissues, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंचना है, ठीक है। तो जो हमारा ड्रग है वो अब ब्लड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। सो द वंस अ ड्रग रीचेस अ सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कि वंस अ ड्रग रीचेस द ब्लड, ठीक है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर टिश्यूज, ठीक है, अलग अलग टिश्यूज में जाकर, अलग अलग ऑर्गन्स में जाकर इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या हो रहा है कि ड्रग जो है हमारे पास लीव कर रहा है, ब्लड को लीव करके कहां पर एंटर हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर टिश्यू या फिर ऑर्गन्स में एंटर हो रहा है, ठीक है। सो अब ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ड्रग जा रहा है हमारे सेल्स में, हमारे टिश्यूज में, हमारे ऑर्गन्स में, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हमेशा होंगे जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करेंगे, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन था, सिमिलरली यहाँ पर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फर्स्ट इज ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे बड़े बड़े ऑर्गन्स, फॉर एग्जाम्पल लीवर, किडनी, हार्ट, यहाँ पर ब्लड की परफ्यूजन जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो जहां पर ब्लड की परफ्यूजन ज्यादा होगी वहां पर ड्रग की डिलीवरी जो है वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। सो जहां पर ड्रग की डिफ्यूजन परफ्यूजन जो है वो ज्यादा होगी वहां पर ड्रग की डिलीवरी ज्यादा होगी, और जहां पर ब्लड की परफ्यूजन जो है वो कम होगी वहां पर ड्रग की डिलीवरी भी कम होगी, ठीक है। सो पहला पॉइंट ये था। सेकंड इज आयोनाइजेशन ऑफ फिजियोलॉजिक पीएच, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स जो है आयोनाइज हो रहे हैं, आयोनाइज नहीं हो रहे, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज कैपिलरी स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग। सो नाउ कैपिलरी का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो कैपिलरी स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल कैपिलरी के जो सेल्स है हमारे पास उसमें कितनी स्पेस है कि हमारा जो ड्रग है उसमें से इजिली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पास आउट हो रहा है या नहीं पास आउट कर रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, सो कैपिलरी स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर हम बनाते हैं कि अगर तो हमारे कैपिलरीज के सेल्स जो है उनके बीच में स्पेसेस है, ठीक है, तो इजिली क्या हो रहा है कि ड्रग जो है, ड्रग अगर बड़े साइज का भी है तो वो इजिली पास इन हो रहा है उस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर, उस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इन ब्रेन, ब्रेन में क्या हो रहा है कि हमारे पास टाइट जंक्शन प्रेजेंट है, तो टाइट जंक्शन प्रेजेंट होने की वजह से क्या हुआ कि ड्रग जो है वो ब्रेन के अंदर नहीं जा पा रहा है, ड्रग जो है हमारे पास ब्रेन के अंदर नहीं जा पा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टाइट जंक्शन वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास लिपिड सोल्युबल ड्रग है, द लिपिड सोल्युबल ड्रग, जो लिपिड सोल्युबल ड्रग्स है वो इजिली ब्रेन के अंदर जा पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एंडोथी, बिकॉज ये लिपिड सोल्युबल है, एंडोथीलियल के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, एंडोथीलियल मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली, तो एंडोथीलियल मेम्ब्रेन के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं और इजिली ब्रेन को, ब्रेन के बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। सो ब्रेन का जो बैरियर होता है उसे हम कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है ब्लड ब्रेन बैरियर, बी से, ठीक है। तो इसको हम ट्रिपल बी से लिखते हैं, तो इसका नाम है ब्लड ब्रेन बैरियर। और लिपिड सोल्युबल ड्रग्स जो है वो इजिली पास ऑन हो जाते हैं, लेकिन लिपिड इनसोल्युबल ड्रग्स जो है वो जो है आई, जैसे पोलर ड्रग्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, वो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन के अंदर डिजोल्व नहीं हो पाते और वहां पर टाइट जंक्शन होने की वजह से वो उसके अंदर पास ऑन भी नहीं कर पाते, जिसके वजह से वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते इन केस ऑफ पोलर ड्रग्स, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, दैट इज लिपिड सोलिबिलिटी। लिपिड सोलिबिलिटी की बात करें कि जितना हमारे पास ड्रग जो है वो लिपिड सोल्युबल होगा उतनी ही जल्दी वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उतनी ही जल्दी वो अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग टिश्यू तक पहुंच सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। जब हम किसी भी ड्रग को
जब भी हम किसी भी ड्रग को लेते हैं तो ड्रग जो है या तो हमारा फ्री स्टेट में रहता है या फिर जो ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है। पीपी मैंने क्या लिखा है, पीपी मीन्स प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। लेकिन जब ड्रग हमारे पास, ड्रग जो है वो प्लाज्मा, दिस इज ड्रग, लेकिन जब हमारे पास ड्रग जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड स्टेट में रहता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, वो ब्लड में ऐसे घूमता रहता है अंटिल अनलेस ड्रग जो है प्लाज्मा प्रोटीन से फ्री नहीं हो जाता, सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक ड्रग जो है घूमता रहता है ब्लड में ऐसे ही, जब तक ड्रग जो है प्लाज्मा प्रोटीन से फ्री नहीं हो जाता। अगर हमारे पास एसिडिक ड्रग है, क्या ड्रग है, एसिडिक ड्रग, अगर हमारे पास एसिडिक ड्रग है तो वो कौन से प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, दैट इज एल्ब्यूमिन, ठीक है, सो इट विल बाइंड टू एल्ब्यूमिन। बट अगर हमारे पास ड्रग जो है वो बेसिक इन नेचर है तो वो अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। अगर ड्रग एसिडिक इन नेचर है देन इट विल बाइंड टू एल्ब्यूमिन, एंड इफ इट इज बेसिक इन नेचर देन इट विल बाइंड टू अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो हम ड्रग लेते हैं ना, ये जैसे कि मैंने ये बताया कि ये फ्री स्टेट में रहता है, ये फ्री स्टेट में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन जब ये ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करा तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हमने इसको ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट कराना तो ये कैसे होगा, जब हमारे फ्री ड्रग की कंसेंट्रेशन, जो ये फ्री ड्रग है इसकी कंसेंट्रेशन, ये यूज अप हो जाएगा, ये मेटाबोलाइज हो जाएगा, इसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगी, तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, ये ड्रग जो है प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जो बाइंड है ये ड्रग फ्री हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन से। अगर ये बाइंड है ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ और फ्री ड्रग की कंसेंट्रेशन कम हो रही है तो ये ड्रग जो है प्लाज्मा प्रोटीन से फ्री हो जाएगा, बाउंड जो है अपना बॉन्ड जो बनाया हुआ उसको तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है उसने, ठीक है। तो जब ये प्लाज्मा प्रोटीन से बिछड़ जाएगा, प्लाज्मा प्रोटीन डिफरेंट हो गया और ये डिफरेंट हो गया, अलग अलग हो गए ये दोनों, तो क्या होगा कि ड्रग जो है ये अब हमारा फ्री स्टेट में आ जाएगा और अब फ्री स्टेट में आकर जो ये ड्रग है ये यूज्ड अप हो जाएगा, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़े कुछ फैक्टर जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे एपरेंट वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और वीडी से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, पहले उसके बाद हम इसके मीनिंग को समझेंगे। सो इट इज डिफाइंड एज अ फ्लूइड वॉल्यूम दैट इज रिक्वायर्ड टू कंटेन द एंटायर ड्रग इन द बॉडी एट द सेम कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। तो इसका मतलब क्या है कि जब इसका एग्जांपल से हम पहले समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल लीजिए, फॉर एग्जांपल कि आपने एक पानी का बीकर लिया, ठीक है, तो पानी का बीकर लिया और इसमें पानी है, आपने इसमें कुछ भी बोलना चाहते हो आप इसमें, फॉर एग्जांपल इसमें आपने 10 मिलीग्राम जो है या 100 मिलीग्राम जो है आपने क्या डाल दिया, दैट इज शुगर और सोल्ट, ठीक है। सो आई हैव एडेड 100 मिलीग्राम ऑफ शुगर और सोल्ट इन दिस मच अमाउंट ऑफ वॉटर, ठीक है। अभी मेरे को पता नहीं है कितने अमाउंट का है, ठीक है। अब जो है 100 mg में मैंने 100 mg शुगर या सोल्ट जो है पानी में घोल दिया, ठीक है। सो नाउ अब मैंने इसका वीडी फाइंड आउट करना है, कितना ड्रग मैंने दिया पानी में, कितना ड्रग डाला मैंने 100, ठीक है, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन। अब जब इसमें घुल गया अच्छी तरीके से ड्रग, तो मैंने वहां से एक ड्रॉप ली पानी की जिसमें ड्रग जो है, या ड्रग या फिर वाटर या फिर शुगर या फिर सोल्ट जो भी आपने इसमें घोला वो ड्रॉप ली और उसकी कंसेंट्रेशन को मेजर करा, तो उसकी कंसेंट्रेशन कितनी आई, मान लीजिए 5 आई, ठीक है, 5 उसकी कंसेंट्रेशन आई, 5 mg/dL, ठीक है, वह इसकी कंसेंट्रेशन आई। तो अब जो है इसके वीडी क्या आएगा, दैट इज 20 mL/dL, ठीक है। सो ये है वीडी, वीडी बेसिकली क्या है कि आपने आपका टोटल ड्रग, यानी कि आपने आपका पूरा का पूरा 100 mg को डिसॉल्व होने के लिए कितने अमाउंट का वाटर चाहिए था, दैट इज 20 dL ऑफ वाटर आपको जरूरी चाहिए था पूरी एंटायर शुगर सोल्ट या जो भी ड्रग है उसको घोलने के लिए, आपको इतना अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सोलवेंट जो है वो चाहिए। सिमिलरली जब आपने
बॉडी के अंदर कोई ड्रग दिया, बॉडी को कोई ड्रग दिया तो आपकी बॉडी जो है उस ड्रग को घोलने के लिए बॉडी को कितना फ्लूइड चाहिए, दैट इज व्हाट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज। कि आपने जितना बॉडी को ड्रग दिया उस ड्रग को घोलने के लिए बॉडी को कितना सॉल्वेंट या फ्लूइड चाहिए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज अ फ्लूइड वॉल्यूम दैट इज रिक्वायर्ड टू कंटेन द एंटायर ड्रग इन द बॉडी, ठीक है, एट द सेम कंसेंट्रेशन इन द प्लाज्मा। ठीक है, तो एट द सेम कंसेंट्रेशन इन प्लाज्मा की कंसेंट्रेशन देखकर हम डिफाइन करेंगे। BD is equal to amount of the drug in the body upon plasma concentration. अब plasma concentration क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक बूंद पानी के अंदर जिसके अंदर sugar, salt या जो भी drug घुला पड़ा था उसकी concentration जब मैंने देखी, उससे मैंने पता लगाया कि हमारे पास कितनी apparent volume जो है हमें पता लग जाती है। ठीक है, so this is what volume of distribution is. Let us talk about redistribution of the drug. ठीक है, so redistribution में क्या हो रहा है कि जब आपने drug लिया, इफ द ड्रग इज लिपिड सोल्यूबल, ठीक है, तो ड्रग जो है सबसे पहले हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स में जाएगा सबसे ज्यादा, बिकॉज जितना ज्यादा ऑर्गन ब्लड से परफ्यूज होगा, ब्लड की सप्लाई जिस ऑर्गन को जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसके पास क्या पहुंचेगा, ड्रग पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे किडनी, लीवर, ठीक है, हार्ट, इन ऑर्गन्स पे ज्यादा हमारे पास क्या पहुंचेगा, ड्रग पहुंचेगा। अच्छा, मान लीजिए कि साइट ऑफ एक्शन जो है ड्रग की वो क्या है, दैट इज साइट ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट पे पहले वो ड्रग जो है वहां पर बहुत ज्यादा पहुंच गया, वहां पर उसने अपना एक्शन शो कर दिया, लेकिन लेटर क्या होगा कि ड्रग जो है वो लेस वेस्कुलर टिश्यू में जाकर सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, उसी ऑर्गन से लेस वेस्कुलर टिश्यू में जाकर सप्लाई होना शुरू हो जाएगा, लेटर लेस वेस्कुलर बट मोर बल्की टेक अप द ड्रग, फॉर एग्जाम्पल मसल्स, फैट, वहां पर जाकर ड्रग जो है जाना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि हमारी साइट ऑफ एक्शन ड्रग की क्या थी, हार्ट, ठीक है, लेकिन ड्रग जो है पहले हार्ट पे जाकर उसने अपना एक्शन शो कर दिया, लेकिन अब क्या हुआ कि ड्रग जो है रीडिस्ट्रीब्यूट होने शुरू किया, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट होने लग पड़ा टू दी मोर बल्कि बट लेस वेस्कुलर, लेस वेस्कुलर मतलब जहां पर ब्लड की सप्लाई थोड़ी कम है वहां पर जाकर दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वहां पर जाना शुरू हो गया हमारे पास क्या, ड्रग। तो क्या हो गया कि जब वहां पर जाना हमारा ड्रग शुरू हो गया तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ने क्या कर दिया, टर्मिनेशन कर दी ड्रग, यानी ड्रग के एक्शन को टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि ड्रग जो है पहले साइट ऑफ एक्शन उसकी हार्ट थी, लेकिन अब क्या हुआ वो रीडिस्ट्रीब्यूट होने लग पड़ा, हार्ट से वो किसी और मसल में जाना शुरू हो गया, कहीं और जाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से उसका एक्शन जो था, मेन एक्शन जो था हार्ट पर वो नहीं दिखेगा, क्योंकि ड्रग जो है आगे रीडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया। ठीक है, सो ग्रेटर द लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, ग्रेटर विल बी इट्स रीडिस्ट्रीब्यूशन, जितना ज्यादा हमारे पास ड्रग लिपिड सॉल्युबल होगा उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा किसके बारे में, रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द CNS, प्लेसेंटा एंड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड हैव अ गुड डे।